वादा पूरा किया पर पूरा जरूर किया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इरफान एंड सना व्लॉग। कैसे हैं आप गाइस? कल रात हमें पूरी नींद नहीं आई क्योंकि हम लोग दुबई फाइनली पहुंच चुके हैं और दुबई में ऐसा लगा ही नहीं, दुबई में ऐसा लगा नहीं कि हम भारत देश में आए क्योंकि हमारी खातिरदारी बहुत अच्छी से की है जी। और ये भाई, ये इमरान भाई की मदर इन लॉ है, माशाल्लाह उन लोगों ने हमारा बहुत 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 अच्छे से ध्यान रखेगा। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग कोई दूसरे देश में आया, दूसरी कंट्री में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सो हमारा दुबई में डे वन हो चुका है स्टार्ट और अभी हम जा रहे हैं टेस्ला। और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी चीजें करने के लिए। ये मुझे करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो है स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी। वहाँ जाएंगे, वहाँ से बुर्ज खलीफा देखेंगे और गाइस बहुत सारी चीजें हैं वो हमें करना है। हाँ, तो वहाँ जाके करना है। तो बस यहाँ से निकल चुके हैं, गर्मी बहुत है यहाँ का। टेम्परेचर आपको बता दूँ वो है 24 डिग्री सेल्सियस और रात में हो जाता है 20 डिग्री, तो रात में ठंड होती है, सुबह बहुत धूप है। तो ठीक है, बस अभी निकल गए और जाके हमें पहले तो मेट्रो का कार्ड बनाना है। हाँ, फिर वहाँ से हम कोई तो स्टेशन जाएंगे जो कि हमारी गाइड जो भाभी है वो हमको बताएंगे कि कहाँ जाना है और उसके बाद मिलते हैं आपसे। नहीं है बुर्ज खलीफा, हाँ दिखता है बुर्ज खलीफा, लेकिन बुर्ज खलीफा दिख रहा है यहाँ से, आ गया दिख रहा है वो, देखो गाइस वो देखो वो दिख रहा है, वो बुर्ज खलीफा है गाइस। ऐसा लग रहा है आप देखो, जो हमें छोड़ने आए थे वो चले गए, तो हमें आगे का जो भी रास्ता है, जो भी सफर है, हमें देखना है। तो हम लोग आगे जा रहे हैं, सामने मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से जाके पहले कार्ड बना रहे हैं और उसके बाद आगे का सफर देखेंगे। और फिलहाल तो बहुत ज्यादा गर्मी जैसे आपको दिख रहा होगा, तो हम लोग थोड़ा छाव से चलते हैं। हाँ आज मेरा और इरफान का ड्रेस एकदम सेम है, एकदम मस्त वाला। इरफान ने ब्लैक शर्ट पहना है, जीन्स पहना है, शूज पहने हैं और एकदम मस्त वाले गॉगल्स लगाए हैं। ओ स्मार्टी अभी भी। यहाँ के ना थोड़े बहुत रूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि हमको अगर क्रॉस करना है तो हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज हमें फ़ाइन लगता है। तो हम पीछे गए थे बट फिर हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास आना था, तो हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास अभी आए और हम वहीं से ही रोड क्रॉस कर रहे हैं। हम लोगों ने गलत ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस किए, मतलब वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग ही था बट उसके आगे कोई भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं था, तो हम लोगों को वहाँ से मना किया कि आप लोग वहाँ से रोड क्रॉस मत करो। तो हम लोग वापस आए, अभी हम लोग वापस चल के जा रहे हैं दूसरी जगह से क्रॉस करने के लिए। और गाइस यहाँ पे अजान हो रही है अभी, माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है यहाँ पे अजान की। और गाइस यहाँ पे धूप बहुत है, मतलब आज का हमारा फर्स्ट डे और मुझे धूप बहुत लग रही है। कल हम लोगों को डेजर्ट सफारी जाना है। मुझे इरफान ने मना किए थे कि सना सैंडल्स नहीं पहनना, हील्स नहीं पहनना, बहुत चलना रहेगा, तुम नहीं चल पाओगे। फिर भी मैंने गाइस हील पहन के आई थी, ये बात में भी एकदम बड़ी दिख नहीं रही होगी आप लोगों को, एकदम बड़ी वाली हील्स पहन के आई गाइस। और अब मेरे पैर दुख रहे हैं, हम लोगों को सिर्फ 10-15 मिनट हुआ है चल के और मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, मुझे चप्पल चेंज करना है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम आए हैं मेट्रो स्टेशन पे कार्ड बनाने के लिए। तो मेट्रो स्टेशन पे जो कार्ड बन रहा है वो बन रहा है 220 दिरहम्स का, मतलब इंडिया का 10,000 रुपए हुए ना, 5,000 220, हाँ सॉरी 5,000, मतलब हम खाली मेट्रो से घूमने का 5,000 रुपए दे रहे हैं, बट देना पड़ेगा क्योंकि वरना अगर हम लोग टैक्सी वगैरह से घूमते तो हम लोग का 50-20,000 तो ऐसे ही चला जाता है, बट हम इसलिए लोग मेट्रो प्रेफर कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, अभी ये पैसे मेरे जा रहे हैं, ठीक है घूमने के लिए। गाइज ये मेट्रो का व्यू था, जो हम मेट्रो में बैठे थे वहाँ से ये व्यू था, बहुत 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 अच्छा लग रहा था देखने। और ये है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, हम इसमें भी जाने वाले, आइटिनरी में है हमारे, ये भी बहुत अच्छा है। अभी अंदर से कैसा है मुझे नहीं पता है बट हम इंशाल्लाह इसमें भी जाने वाले। हम पहुँच चुके हैं दुबई मॉल एंड यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन से दुबई मॉल तक के जो एलिवेटर्स है ना वो 7 एलिवेटर्स है। हम लोगों ने अभी 3 क्रॉस कर लिया है और 4 बाकी है। सिर्फ मेट्रो स्टेशन से मॉल तक के जाने के लिए गाइस 7 एलिवेटर्स है और बहुत चलना है, बहुत, मतलब हम अभी तक बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, अभी भी चल रहे हैं। दुबई मॉल भी बहुत बड़ा है चलने के लिए। सो गाइस आप लोगों को अगर यहाँ आ रहे हो तो आप लोगों को चलने की हिम्मत चाहिए और हील्स नहीं चाहिए, मेरी जैसी गलती मत करना। बट मैंने बैग में फ्लैट्स लाई हूँ, अभी हम लोग मॉल में जाके मैं थोड़े से फोटोज़ वगैरह लूँगी, फिर मैं फ्लैट्स पहनूँगी, हील्स निकाल दूँगी।
मॉल के अंदर है और हम लोग सबसे पहले विजिट कर रहे हैं जो दुबई का फेमस एक्वेरियम है, वो विजिट करने जा रहे हैं। और गाइज मैंने जो हील्स पहनी थी वो निकाल दी हूँ, मैंने फ्लैट पहन ली हूँ, रिवर्स मुझे चलने नहीं हो रहा था तो मैंने वो निकाल दिया है। गाइज ये यहाँ का एक्वेरियम है, ये है यहाँ का द वाटरफॉल, एंड यहाँ का मॉल भी बहुत 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 बड़ा है गाइज। हम लोग कब से चल रहे हैं, इतना बड़ा है ना कि आप ये अंदाजा लगा लो कि पिछले एक घंटे से हम लोग घूम रहे हैं और हम लोगों ने एक एक फ्लोर भी नहीं कवर किया। एक फ्लोर क्या, हम लोग थोड़ा ही भी नहीं कवर किए, इतना बड़ा है गाइस। हम लोग थक गए और हम लोग बोले जाने दो, अब हम लोग यहाँ से एग्जिट करते हैं, और बहुत बड़ा है सच में, बहुत बड़ा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं, बट एग्जिट भी बहुत 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 दूर है, बिकॉज अभी हम लोगों को जाना है स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी। तो अभी हम लोग यहाँ से एग्जिट लेके वहाँ पे जाएंगे। अभी हम लोगों ने हमारा मील मंगाया है अल बेक से, और हम इतना जो सामान आया है गाइज वो 1200 रुपये का है। बट गाइज यहाँ पे अल बेक बहुत 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 अच्छा है, हम लोग खुद आपको रिकमेंड करेंगे कि आप खाओ। हमने खाए नहीं है बट हमने यहाँ के रिव्यू सुने, मतलब बहुत अच्छा। यहाँ पे जो मेरे दोस्त लोग भी रहते हैं, फ्रेंड्स भी रहते हैं और फैमिली भी रहते हैं, उन लोगों ने बोला कि अल बेक बहुत अच्छा है, तो आप लोग आओगे तो अल बेक ज़रूर ट्राई करना। गाइज ये देखो ये कितना डीप है, मतलब अंदर नीचे मेरी स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी के जो लिफ्ट है उसमें है, और ये जो लिफ्ट है बहुत फास्ट ऊपर जा रही है। अभी हम लोग आए हैं स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी। मैंने बोला था समा को कि बुर्ज खलीफा दिखाऊंगा, और लेट वादा पूरा किया, पर पूरा जरूर किया। गाइस ये हमारे पीछे है बुर्ज खलीफा जो हमें दिख रहा है। गाइज हमारा प्लान था कि हम बुर्ज खलीफा के अंदर जाएंगे, बट हमने वो कैंसिल कर दिया, बिकॉज बुर्ज खलीफा के अंदर से बुर्ज खलीफा नहीं दिखता है। उससे अच्छा मैं अगर बहुत जो भी देख रहा है यहाँ पे, तो आई होप बहुत लोगों को पता होगा जो दुबई में रहते हैं और जो आते जाते हैं, बट हमने जब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे कि अगर आपको बुर्ज खलीफा का हाँ बहुत अच्छा व्यू चाहिए, तो आप स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी आओ और वहाँ से देखो, क्योंकि वहाँ से मस्त दिखता है। ये देखो कितना नीचे है और हम एकदम ऊपर है। ये ग्लास वॉक है, अभी हम लोग फिलहाल ग्लास वॉक पे जा रहे हैं, इसके बाद ग्लास स्लाइड है तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है ऊपर सब देखने में। डर नहीं लग रहा तुम्हें गाइस? क्या बोल रहे हैं, मस्त लग रहा है ना? जंप करो, जंप। गाइस जाके रोज देखो कितना मस्त है। गाइस अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं और हमने ग्लास स्लाइड भी किया था, बट उसका हम लोग ने नॉर्मल वीडियो लिया है, जो ब्लॉग वाला वीडियो है वो नहीं लिया है, तो हम वो उसको इंस्टाग्राम रील पर पोस्ट करेंगे। क्या हो रहा है ये, कान में लग रहा है ना? हाँ वो हाइक पे जाते ना तो इरफान का ऐसा होता है कि कान में आवाज़ आती है, मेरे भी हो रहा है। जी करदा दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा। गाइस बहुत मस्त लग रहा है अभी फिलहाल बुर्ज खलीफा, और यहाँ पे इरफान है। और गाइज अभी तो थोड़ा सा शाम हुआ है, बट रात में और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम लोगों का प्लान तो ये है कि हम लोग रात तक यहीं पर ही रुके, बट हो भी सकता है कि रुके नहीं रुके, बट हम लोग कोशिश जरूर करेंगे कि हम लोग यहीं पर ही रुके। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं बुर्जुमान में और हम लोग मतलब जो बॉम्बे स्टार की लेन पकड़ के आओ ना। गाइज अभी हम लोग आए हैं अल सीफ पे, और अभी हम लोग ये राइड करने वाले हैं, जो यहाँ पे ये पोर्ट है वो राइड करने वाले हैं। एंड गाइज यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा है, दोपहर में धूप थी नो डाउट, बट अभी बहुत ठंडा हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली ये पानी के साइड तो बहुत मस्त लग रहा है। अभी हम आए हैं दुबई के मीना बाजार में, यहाँ पे आगे इरफान और इमरान भाई चल रहे हैं, इमरान भाई भी हम लोग को कंपनी देने के लिए आए हैं। एंड हाँ, और अभी हम लोग आए हैं फिलहाल तो मेरे लिए बुरखे देखने के लिए। सो गाइस यहाँ पे पूरा ऐसा बुरखे का मार्केट लगा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये नॉर्मली बुरखे का मार्केट है। यहाँ पे कुछ ना कुछ शोर है। अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ की बोट में, जिसे कहते हैं आबरा राइड ना, जिसे कहते हैं आबरा राइड। थैंक्स अ लॉट, दिस इज फॉर इमरान भाई, उन्होंने हमारी बहुत मदद की और वो हमारे बहुत परफेक्ट गाइड है, क्योंकि गाइस हम लोग एक सामान लेने जाते हैं वो बहुत दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर थे, मैंने बोला कि हम इससे जाते हैं, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो हम बोट में भी बैठ गए और ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा। गाइस यहाँ पे बहुत चलना है, बहुत हम बहुत ज़्यादा चल लिए हैं। गाइस राइड में हम लोग बहुत मज़ा आता है, एकदम फास्ट चल रही है, स्लो स्लो चल रही है, वैसे चल रही है एकदम
ये है इरफान की टिकटॉक की आईडी, बिकॉज इंडिया में तो वो यूज नहीं कर पाते, तो दुबई में इमरान भाई के पास थी उनकी आईडी, तो इरफान अभी देख रहे हैं। दिखाओ मुझे, दिखाओ तुम्हारी आईडी। गाइस बहुत टाइम बाद टिकटॉक को हम लोग देख रहे हैं और इरफान की आईडी है, देखो इरफान की आईडी है 388.9K फॉलोअर्स। तो गाइस ये देखो, सुनो गाइस, हर वीडियो में देखना है इरफान ना सिर्फ आगे आएंगे थोड़ा सी, अब देखना अब ये वीडियो में भी देखना। हम लोगों का मूड देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और हाँ सच में हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा चले, बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे सच में ऐसा लग रहा है कि जो ये बहुत ज़्यादा उसकी दुआ अलग से सही मतलब किया था, हम लोग बहुत ज़्यादा चले, बहुत ज़्यादा। बट अभी हम लोग जा रहे हैं इमरान भाई के घर पे, इमरान भाई के घर से सारा सामान हमारा लेना है, और हमें हमारे रूम पे जाना है, जो रूम हमने बुक किया हमें वहाँ जाना है, और हमें वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चलना है, बिकॉज इमरान भाई का घर है वो मेट्रो स्टेशन से बहुत दूर है, तो हमें फिर चलना है गाइस, हमारे में ज़रा भी हिम्मत नहीं है चलने की। गाइस हम लोग यहाँ पे होटल में खाना खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, बट हम लोगों को खाना खाने के लिए कोई होटल नहीं मिल रहा है, बिकॉज कैफेटेरियाज है वहाँ पे हम प्रॉपर खाना नहीं खा सकते, और हमें फ्राइड राइस नूडल्स वो सब मिल रहा है जो कि बहुत मतलब इतना अभाव नहीं है, इमरान भाई बता रहे थे, तो हमें खाना खाने के लिए भी यहाँ पे भी फिलहाल कुछ मिल नहीं रहा है, और जहाँ पे हम रहते हैं जहाँ पे भी हम आए वहाँ पे कुछ ज़्यादा अवेलेबल ऑप्शंस भी नहीं है, बिकॉज हम जो मेन दुबई में थे हमने वहाँ से नहीं खाया, हमारे से वो गलती हो गई, हमें वहाँ खा लेना चाहिए था, बट हमने सोचा कि यहाँ पे आके खाएंगे, और यहाँ पे हमें कुछ खाने नहीं मिल रहा, सिर्फ इस इंसान की वजह से हम लोग ये रेस्टोरेंट में पहले बैठे थे, यहाँ से उठे, इसके बाजू वाले रेस्टोरेंट में गए, वहाँ से वापस खा रहे हैं, फिर वापस से यहीं पे आके बैठे। अरे वो इसके लिए, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे जैसे अपने वहाँ पे मिल जाता है नॉर्मली कोई भी खेपसा राइस या कुछ तो वो मिल जाएगा, तो फिर यहाँ पे जब बैठे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये सब चीज नहीं मिलती है, तो थोड़ा अदब में लो, तो इसके लिए फिर उन्होंने ठीक है अभी तो वापस आके बैठे ऑर्डर किया। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की शायद थोड़ी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है आवाज से, मुझे भी लग रहा है और आवाज से इरफान को भी लग रहा है, वापस कल सुबह उठ के हमें जाना है सफारी, जैसे सफारी जाएंगे हबीबी, फिर उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे ऐसा सूप मिला है जैसे हमारे इंडिया में वो नूडल्स मिलते हैं ना, वैसे यहाँ पे बस सूप मिला है, ठंड क्यों नहीं, जैसे हम पहली बार पी रहे हैं, कुछ कोरोना हुआ मुझे काढ़ा पीने जा रहे हैं। गाइस ये यहाँ का हाफ पेरी पेरी तंदूरी है ना, अभी हम लोगों ने यहाँ के जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से बैंडेड लिया है, बिकॉज जो मेरे पैर है वो छाले आया है उसमें, हाँ गाइस, और यहाँ के बट हम लोगों को यहाँ पे बैंडेड सही मिली है, 40 बैंडेड है उसमें, बाय वन गेट वन फ्री था, 40 बैंडेड है, वो बाय वन गेट वन फ्री था, इसके लिए अगर वो ऑफर नहीं होगा तो महंगी पड़ती थी, बट हाँ लंबे है ना तो इसलिए आते नहीं, अभी आएंगे। इमरान भाई वहाँ से बोले थे उसका चेहरा नहीं आ रहा है। तो इसके लिए बस सना को थोड़ा चलते चलते हम लोग बहुत चले गए, नहीं बोल के भी हम लोग कम से कम 10 किलोमीटर चले अप्रॉक्स सुबह से, तो इसके लिए सना को शू बाइट्स हो गए, तो इसके लिए हम लोग मैं फार्मेसी गए और बैंड ले लिए, और अब हम जा रहे हैं घर पे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए, और गाइस अभी हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, हम लोग को अभी घर जाएंगे, अभी हम लोग इमरान भाई के घर जा रहे हैं, फिर हम वो घर जाएंगे जो इमरान भाई ने हमारे लिए बुक किया है, तो मतलब और आधा आधा घंटा बस 15-20 मिनट और, फिर उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे घर पे, फिर थोड़ा फ्रेश होके सो जाएंगे। अभी हम लोग निकल चुके हैं इमरान भाई के घर से, हमारा जो विला है वहाँ पे जाने के लिए, और हालत देखो गाइस यहाँ पे दुबई की हवा आ रही है, बहुत मस्त हवा आ रही है, यहाँ का मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है,
जाता है। कल बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज कल हम डेजर्ट सफारी जाने वाले हैं, वहाँ पे हम लोगों को बहुत मजा आने वाला है और हम लोग एक सफारी पार्क है वहाँ पे भी इंशाल्लाह सोच रहे जाने का, वो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ डेजर्ट सफारी हम जाने वाले हैं। सो कल आप लोगों को देखना और इसी के साथ हमारा ब्लॉग खत्म होता है। आप लोग दुआ में याद रखना और अपना ध्यान रखना और हमें ऐसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।